जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। ये हमारे चार टाइप के क्वेश्चन बढ़ते हैं, टाइप नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो भी हमारा, चाहे वो SSC का है, चाहे वो हरियाणा का CET होने वाला है, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो बैंक का है, ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। वीडियो स्किप नहीं करनी है, 5 मिनट की वीडियो में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। देखो, पहले टाइप में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6√6 + √6 और इस तरह करते करते इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसके ऐसे फैक्टर बनाएंगे जिनको गुणा करने पर क्या जाए, 6 आ जाए। तो 2 और 3 को हमने गुणा कर दिया तो कितना आया, 6। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर डिफरेंस 1 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो फैक्टर हम 6 × 1 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंस 1 नहीं आएगा तो हम ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमने लेना है ऐसा फैक्टर जिसकी गुणा करने पर 6 आ जाए और उनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। तो ये ले लिया, प्लस का निशान है तो हमारा आंसर हो जाएगा बड़े वाली संख्या 3। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 3। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 30 का फैक्टर बनाएंगे तो 5 और 6, 5 × 30 और डिफरेंस 1 है, तो बड़े वाली संख्या आंसर हो जाएगी, यानी आंसर आ जाएगा 6। इसी तरह इसको देखेंगे, फैक्टर क्या करेंगे इसके, 6 × 7 = 42, डिफरेंस हमारा 1 आ गया। अब देखो यहां पर माइनस का निशान है, अगर माइनस का दे रखा है ना तो छोटे वाली संख्या आंसर हो जाएगी 6, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 6। अब देखो इसमें इसके फैक्टर बनेंगे 4 और 5, 4 × 5 = 20, तो डिफरेंस क्या है, 1, माइनस का निशान है, तो आंसर क्या जाएगा, 4। अब देखो इसमें, अब ऐसी संख्याएं दे रखी हो जिसका कोई फैक्टर ना बनाया जा सके, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं। जैसे यहां पर 5 संख्या दे दी, 5 का कोई फैक्टर नहीं बन रहा, तो हम क्या करेंगे, 5 से आगे जाएंगे, 5 से अगली संख्या कौन सी होती है, 6। जिसके भी, जिस भी संख्या के फैक्टर बन रहे होंगे उस संख्या को हम लेंगे, या इसके बाद क्या जाएगा, 5 के बाद आता है 6। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 + 6, फिर यही कंडीशन लागू होगी जैसे इसमें थी, डिफरेंस हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, और इन्फिनिटी तक जाती है, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 के बीच में हमारा इसका मान निकलेगा, यानी कि 2 से ज्यादा और 3 से कम। ऐसे इसमें देखेंगे 11 के फैक्टर नहीं बनाए जा सकते हैं, तो इससे आगे वाली संख्या देखेंगे जिसके फैक्टर बनाए जा सके, तो इसके बाद आती है संख्या 12। 12 के फैक्टर हो जाएंगे 3 × 12। ठीक है, डिफरेंस हमारा 1 है। अब देखेंगे इसका आंसर आ जाएगा हमारा बिटवीन 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमारा मान रहेगा इसका, तो हम 3 से ज्यादा और 4 से कम। ऐसे ही इसमें देखेंगे 7 के बाद देखो 8 के फैक्टर नहीं बन सकते, 9 के नहीं बन सकते, 10 के नहीं बन सकते, 11 के नहीं बन सकते, तो 12 का बन सकता है। तो 12 का फैक्टर क्या है, जैसे ये किया था 3 × 12, तो आंसर हमारा आ जाएगा बिटवीन 3 और 4। 9 के बाद वाले 9 के फैक्टर नहीं बन सकते, 9 के बाद वाली संख्या 10 फिर 11 और फिर 12। 12 एक ऐसी संख्या जिसके फैक्टर बन सकते हैं, तो 3 × 12 हमारा आंसर आ जाएगा कितना, बिटवीन 3 और 4। अब आते हैं टाइप नंबर 3 पर, जब इन्फिनिटी तक जा रहा हो और यहां पर गुणा का निशान हो, देखो √8 × √8 ऐसे दे रखा हो और इन्फिनिटी तक जाता हो, तो हमारा आंसर हो जाता है इसमें सीधा 8, जो गिवन संख्या है वही हमारा आंसर है। इसमें आंसर हो जाएगा 3, इसमें आंसर हो जाएगा 5, इसमें हो जाएगा 17। एक हमारा ये टाइप पूछा जाता है, ठीक है, देखते ही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, टाइप नंबर 4, जब संख्या तो ऐसे ही दे रखी हो लेकिन इन्फिनिटी तक ना दे रखी हो, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे जो बेस में वैल्यू दे रखी है ना उसको ऐसे लिखेंगे 3, और अंडर रूट यहां पर देखेंगे कितने हैं, 1, 2, 3 और 4। 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, ऐसे लिख लेंगे, और एक कम ऊपर लिख देंगे, 16 से 1 कम क्या हो जाएगा, 15। तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 3 की पावर 15/16। ऐसे इसको देखेंगे, बेस में जो वैल्यू दे रखी है ऐसे लिख लेंगे 2, अंडर रूट देखेंगे कितने हैं, 1, 2, 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। 8 लिखेंगे ऐसे और एक कम ऊपर लिख देंगे, 8 से 1 कम 7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें बेस वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 2, और यहां पर अंडर रूट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2 की पावर 5 होता है हमारा 32, और एक कम ऊपर लिख देंगे कितना, 31, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 31 बटा
32। ये हमारे क्वेश्चन देखते ही हमने आंसर निकाल देना है, देखते ही, जैसे इसमें 8 था, इसमें 3 था, इसमें 5 था, इसके फैक्टर बना लेंगे, प्लस का निशान है तो बड़े वाली संख्या आंसर हो जाएगी, माइनस का निशान है तो छोटे वाली संख्या हो जाएगी। इसको अगर फैक्टर ना बने तो उसको आगे देखेंगे, आगे वाली संख्या के ऐसे फैक्टर देख लेंगे, जैसे इसके 5 के बाद 6 आती है तो 6 का फैक्टर 2 और 3 है, यहाँ पर डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो आंसर हमारा दिया मिलेगा बिटवीन 2 एंड 3। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।